हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य में भले ही छूट दी गई हो, परंतु उन निर्माण कार्यों के लिए प्रयोग होने वाली सामग्री हेतु किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। छूट इसलिए भी दी गई थी कि जो लेबर बाहरी राज्यों से मंडी जिला व प्रदेश में कार्य कर रही है, वो बिना कार्य के ना होने से यहाँ अपने अपने घरों का पलायन ना करे। निर्माण कार्यों के लिए सामग्री रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया तथा निर्माणाधीन अन्य सभी जरूरत का सामान मौजूद है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि जहां सामग्री है वहां तो निर्माण चल रहा है, परंतु जहां सामग्री नहीं है वहां निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। जबकि इस समय मंडी जिला में लगभग 3 से 4 हजार के करीब मजदूर बाहर के हैं। पूरे प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा बाहरी मजदूर काम कर रहे हैं। आकाश शर्मा ने कहा कि जहां निर्माण कार्य के लिए सामग्री है तो ठीक है, परंतु जिन निजी व सरकारी कार्यों के लिए निर्माण सामग्री नहीं है वहां कैसे पहुंचे और क्या हो, इसके बारे में कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री की दुकानों को भी दिन में 1 या 2 घंटे खोलने की छूट प्रदान की जाए, जिससे लोग निर्माण कार्य संबंधित सामग्री खरीद सकें और अपने कार्य को प्रगति पहुंचा सकें। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा निर्माण कार्यों में छूट का प्रावधान किया गया है, लेकिन निर्माण कार्यों की सामग्री हेतु किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। जिन्होंने निर्माण कार्य शुरू किए हुए हैं उनको रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया और अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता है। आज यदि मंडी जिला की हम बात करें तो यहाँ 3 हजार से लेकर 4 हजार के करीब जो हैं वो मजदूर बाहर के हैं, और पूरे हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में लगभग जो है 1 लाख के करीब जो हैं वो बाहर के लोग ही काम करते हैं, चाहे वो बागवानी के क्षेत्र में हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क में हैं, चाहे वो दूसरे कार्यों में संलिप्त हैं। आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि जो निर्माण कार्य शुरू हैं जहाँ पर सामग्री है वहाँ तो निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सामग्री की ज़रूरत है वहाँ पर सामग्री जो है उपलब्ध नहीं हो रही है। पिछले कल 8 या 10 जिलों के जिलाधीश महोदय ने जो है वो इन कार्यों के लिए रेत, बजरी और अन्य चीज़ों की छूट प्रदान की थी। हम यह आग्रह करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से भी और कंसर्न जो प्रशासन डिपार्टमेंट है उनसे भी कि वो जो निर्माण कार्यों से संबंधित सामग्री है उसके लिए 1 या 2 दिन में, चाहे 2 घंटे की चाहे 3 घंटे की जो है छूट सुनिश्चित करें, ताकि लोगों के जो कार्य चल रहे हैं या सरकारी क्षेत्र में भी जो लोगों के कार्य चले हुए हैं वो कार्य पूर्ण हो सके। दूसरी तरफ से हमने यह भी अपील की थी हिमाचल प्रदेश सरकार से कि जो 4 लेन के कार्य चले हुए हैं, सड़कों के कंस्ट्रक्शन के कार्य चले हुए हैं, उन कार्यों को इस समय जो है वो तीव्र गति प्रदान की जा सकती है, क्योंकि सारी जो ट्रैफिक बंद है, ट्रांसपोर्ट के सारे साधन बंद हैं, लोगों का आना जाना बंद है। तो जैसे 4 लेन का कार्य है या जो सड़कें नई निकल रही हैं या जो अन्य कार्य हैं जो सरकार से भी संबंधित हैं, उन कार्यों को मजदूर यहाँ पे अवेलेबल है, मशीनरी यहाँ पे अवेलेबल है, सामान यहाँ पे अवेलेबल है, तो उन कार्यों को तीव्र गति प्रदान की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि मंडी से लेकर जो मनाली तक का जो 4 लेन का कार्य है तो वहाँ पहले भी 2-3 घंटों का जाम लगता था, लेकिन आज जब ट्रैफिक बिल्कुल बंद है तो तीव्र गति से उस कार्य को शुरू किया जा सकता है। धन्यवाद।